सबसे पहले मैं आज धन्यवाद करूंगा उन लोगों का जिन्होंने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब किया है और मेरे सब्सक्रिप्शन को आगे दिया है, और मैं उनका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। और उन्हीं के परिप्रेक्ष्य में मैं एक कहानी फिर कुछ शब्दों के साथ शुरू करूँगा। कहानी सुनाने से पहले दो शब्द जरूर कहूँगा जो हमेशा की तरह आदत है मेरी, उन शब्दों को कह के मैं इस कहानी को आगे बढ़ाऊँगा। कहते हैं कि आपके प्रॉपर्टी के अधिकारी बहुत से लोग हो सकते हैं, आपके प्रॉपर्टी के आपके ज़मीन के उत्तराधिकारी बहुत से लोग हो सकते हैं, बट आपके कर्म जो आप कर रहे हैं संसार में उसके उत्तराधिकारी सिर्फ आप हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक कहानी आपको बताता हूँ कि एक बाबा था, काफ़ी मदमस्त बाबा था, अपने जीवन को बड़े अच्छी तरीके से मदमस्त तरीके से जीता था। उस मदमस्ती में वो हमेशा खोया रहता था, या वो अपने प्रभु में या फिर अपनी मस्ती में खोया रहता था। तो ठीक है, वो बाबा एक दिन घर से आगे निकला, काफ़ी अच्छा मौसम था, रात भर बारिश हुई थी, उसके बाद सुबह की पहली पहली धूप जब मिल दिख रही थी उसको, तो उसे ऐसा लग रहा था कि यार आज निकलना चाहिए, आज बाहर निकलना चाहिए, बाहर जाके कुछ और जीवन को देखना चाहिए। तो उसी तलाश में जब वो आगे निकला तो सामने मार्केट आ पड़ती है। मार्केट में जब देखता है तो एक समोसे वाला, मिठाई वाला जो था, वो काफ़ी समोसे जलेबी तल रहा था। अब बाबा की निगाह उस समोसे और जलेबी भी पड़ती है और उसको एक टक देखते रहता है, लेकिन सुबह का वक्त था, अर्ली मॉर्निंग में, उस बाबा ने ये बिल्कुल भी तैयारी से या फिर उसके मन में ऐसा भी कोई तैयार नहीं था कि मैं सुबह सुबह उस दुकान में जाके कुछ भिक्षा के लिए कहूँ या फिर उससे ये कहूँ कि मुझे भूख लग रही है, क्योंकि वो भी दुकानदार सुबह सुबह अपने दुकान को सजाने के लिए जलेबियाँ तल रहा था, समोसे तल रहा था, दुकान लगा रहा था, तो उसको कहना भी अनुचित रहा लगा, वो सब चीज़ अपने मन की व्यथा बताना भी उसको अनुचित लगा। लेकिन इन सब चीज़ों में वो दुकानदार भी उस बाबा को देख रहा होता है। तो दुकानदार जब उस बाबा को देखता है तो दुकानदार एक इशारा करता है कि आइए बाबा जी आइए। बाबा की तो मन की बात होगी, भाई दुकानदार बुला रहा है, अभी तो वो सोच रहा था मैं जाऊँ कैसे अभी, लेकिन अभी तो दुकानदार सामने से बुला रहा है। तो दुकानदार के जब इस बातों को इशारों को देखता है तो बाबा चल देता है। तो दुकान में पहुँचते ही बाबा से दुकानदार कहता है, बाबा जी बैठिए, सुबह का ना प्रसादी ग्रहण कीजिए। तो बाबा खुश, बाबा को चार समोसे कुछ जलेबियाँ बाबा के सामने टेबल में लगाई जाती है, बाबा उस प्रसादी को ग्रहण करते हैं और जरा तृप्त होते हैं, अपनी जो भोजन की उनकी लालसा थी, जो उसको खाने का मन था, उन खाने की चीज़ों से वो तृप्त होते हैं और कहते हैं कि भगवान तेरी दुकानों को और बढ़ाए, तेरा बिजनेस और बढ़ाए, तेरी ऐसी दुकानें और खुल जाए, तो और बड़ा बन जाए। इतना कह के बाबा आगे वो चल देते हैं। अब आगे जाते हैं तो बाबा तो मदमस्त थे या अपने हिसाब में तरीके से चलते थे, बाबा उसी मस्ती में अपने, जैसे हम लोग बचपन में खूब पानी गिरा होता है रोडों में, सुबह का वक्त था, रात भर बारिश हुई थी, सुबह में पानी था रोडों में, तो उन पानी पे खेलते हुए बाबा उछलते हुए उस पानी को उड़ाते हुए चले जा रहे थे। तो उन्हें जरा भी ख्याल नहीं था कि उनके पीछे एक न्यूली वेड कपल चल रहा है। तो बाबा उस पानी में बैठ कूदते, वो पानी उड़ता और बाबा हंसते हुए चले जाते। तो जैसा ऐसा कर रहे थे तो नेक्स्ट टाइम पे ऐसा हुआ कि वो पानी उछला जरूर, और उछलने के बाद वो जो एक कपल पीछे से चल रहा था, हस्बैंड वाइफ जो पीछे से चल रहे थे, उन उसकी वाइफ के साड़ी पे जाके लग गया एक गंदा सा पानी का कीचड़। तो अब उसके पति को बड़ा गुस्सा आ जाता है, बाबा जी को कहता रुक जाओ तुमने ऐसा ऐसा कर दिया। बाबा जी कहते हैं मुझे ज़रा सा भी इसका ज्ञान संज्ञान नहीं था कि मेरे पीछे आप चल रहे हो और ऐसा हो जाएगा गलती से, तो ये सब मैंने जानबूझ कर नहीं किया। लेकिन वो बाबा की बात सुनने को तैयार नहीं था, वो जो लड़का था वो तो अपने ही आवेश में, अपनी ही चीज़ों में आतुर था, अपने ही गुस्से को कम नहीं किया जा रहा था उससे। तो वो कहता कि तुमने मेरे दोस्त पे, मेरी पत्नी पे, मेरी वाइफ पे, मेरे यार पे जो तुमने ये पानी उछेला है,
इसका तो तुम्हें हर्जाना देना पड़ेगा, इतनी कह के उसको बाबा जी को ही रैपिड लगा देता है, छापा लगा देता है। अब बाबा जी को छापा लगता है, बाबा जी धड़ाम जमीन पे। और बाबा जी जब जमीन पे गिरते हैं तो बाबा जी ऊपर की ओर सर देख के, आसमान की ओर सर देख के कहते हैं कि भगवान तेरी भी यह माया है, पल भर में तुमने समोसा गरम गरम खिलाया, पल भर में जलेबी गरम गरम खिलाई, और थोड़ी देर में गरम गरम थप्पड़ भी रसीद करवा दिया। खैर बाबा जी जमीन से उठते हैं, चले जाते हैं, आगे को फिर बढ़ने लगते हैं। तो इतने में उस कपल का घर भी सामने होता है, चढ़ो चढ़ाई चढ़ के घर की ओर जाना होता है। तो वो उसकी वाइफ उसको ले जाती है फिर कि चलो अब तो घर चलो, इतना गुस्सा कर लिया तुमने, बाबा जी को थप्पड़ मार दिया, अब तो घर को चलो। लेकिन उसको आवेश में घर को जाने को तैयार होता है। उसी आवेश में जब वो चढ़ाई चढ़ रहा होता है तो उस चढ़ाई में एक पत्थर से स्लिप होता है, और पत्थर से स्लिप होता है उसके सर में चोट लगती है, ब्लड निकलता है और वो बेहोश पड़ा रहा। लड़की की समझ में नहीं आता कि हुआ क्या भाई, अभी तक तो सब कुछ सही था। वो उसके मन में सिर्फ वही ख्याल कि बाबा जी ने थप्पड़ मारा था, बाबा जी ने कुछ श्राप उराप दिया होगा, बाबा जी ने जिसके कारण ऐसा सब कुछ हो गया, मेरा पति तो उठ ही नहीं रहा, मेरे पति को तो बेहोश हो गए हैं, सर में चोट लग गई है, ब्लड निकल रहा है। तो पब्लिक भी जमा हो जाती है, उसके यार दोस्त पड़ोस के सब आ जाते हैं, और वो कहते हैं ऐसा ऐसा। तो कहते हैं क्या हुआ, ऐसा ऐसा हुआ भैया, बाबा जी के साथ ऐसा किया तो शायद बाबा जी ने श्राप दिया होगा। कौन बाबा, वो कहते हैं वो आ रहा है। तो सब पूरा पड़ोस बाबा जी के पास चले जाते हैं, बाबा जी को मारने को तैयार हो जाता है। तुमने ऐसा क्यों किया भाई, एक मैं तुझे थप्पड़ ही तो मारा था, तुमने श्राप क्यों दिया। वो कहता है, बाबा कहता है किसको श्राप दिया, कहता है उसको श्राप दिया, कहता किसने दिया, बाबा जी से कहता है वो आपने दिया, क्यों क्या हुआ, ऐसा ऐसा हुआ, तो लड़का पत्थर से गिरा, चोट लगी, ब्लड निकला, अब होश है। तो बाबा जी मुस्कुराते हैं और बोलते हैं कि मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन हाँ मैं आपके सवाल का उत्तर दे जरूर देता हूँ। तो वो कहते हैं कि हाँ बताओ फिर क्या हुआ। तो कहते हैं ठीक है, उनके यार पे, उनके दोस्त पे, उनकी वाइफ पे, बाबा जी उससे कहते हैं पब्लिक से, तो उनके यार पे, उनके दोस्त पे, उनकी वाइफ पे जो ये कीचड़ लगा होगा, उनको इतना गुस्सा आया कि उन्होंने मुझे थप्पड़ सीध कर दिया और मैं ज़मीन पे गिर पड़ा था। जब उनके यार को चोट लगी तो उनको इतना गुस्सा आया, ऐसे ही मेरा यार आपको पता है कौन है। तो पब्लिक वो पड़ोस के होते हैं लोग सब पूछते हैं कौन है, तो कहता है वो मेरा मेरा यार ऊपर वाला है, मेरा खुदा, मेरा भगवान मेरा यार है, और जब इस आदमी ने मेरे संग ऐसा किया होगा तो उसको बुरा लगा होगा, उसने इनको सजा दी होगी, मैंने नहीं दी। और जब ये बाबा जी ये शब्द सुनते हैं तो पब्लिक हट जाती है, बाबा जी फिर मदमस्त में चल के आगे चले जाते हैं। लेकिन कहानी छोटी सी है, हमें शिक्षा क्या देती है, मैंने शुरू में भी कहा था कि हमारी जमीन के, हमारी जायदाद के उत्तराधिकारी कई हो सकते हैं, कहीं हमारी संपत्ति के उत्तराधिकारी हो सकते हैं, लेकिन हमारे कर्म के उत्तराधिकारी सिर्फ हमें, हमारे कर्म हमको ढूंढ ही लेते हैं, हमारे कर्म हमारे सामने आके खड़े हो ही जाते हैं। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करिए, अच्छी सोच रखिए और अच्छी सोच के साथ आगे बढ़िए, ताकि जीवन में कोई भी गलत कर्म किया हुआ आपको आगे जाके भरना ना पड़े। इन्हीं शब्दों के साथ ये कहानी कहता हूँ, एक नई कहानी फिर इस सप्ताह में लेके आऊँगा। धन्यवाद।